अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी। हाय पेरेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शो घंटा में। फ्रेंड्स, आप सबको मैं आज बताने वाला हूं कि आप झारखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाले अगर स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। तो आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इसके बाद क्रोम ब्राउज़र में आपको टाइप करना है ई कल्याण। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का आप देखेंगे इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको सबसे पहले वाला लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ई कल्याण दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह कुछ इंटरफेस खुलेगा, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, डेस्कटॉप साइट कीजिएगा। इसके बाद आप इस तरह का इंटरफेस फिर पाएंगे, तो आपको सबसे पहले सिंपली स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको यहाँ तीन ऑप्शन देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, जैसे स्टूडेंट या नेम, स्टूडेंट लॉगिन या नेम। तो आप नाम से भी यहाँ कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अगर मोबाइल नंबर भी से चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं अपना नाम से यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं अपना नाम यहाँ इंटर कर लेता हूँ फटाफट। हाँ, तो जैसा कि मैं अपना नाम इंटर कर चुका हूँ, अब मैं अपना पासवर्ड जो था वो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। यहाँ मैं अपना पासवर्ड डाल दिया, अब यहाँ पे इंटर कैप्चा बोल रहा है, तो इंटर कैप्चा आपको ये डाल देना है जो कि दिख रहा है 13074 ऐसा करके दिख रहा है कुछ। इसे डालने के बाद आपको इंटर करने के बाद क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ देख सकते हैं, इधर आइएगा सबसे नीचे में तो आपको दिखेगा ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ आपको एप्लीकेशन स्टेटस का दिख रहा है। यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, अगर आपका सेशन अभी तो 19-20 है, 19-20 पे आपको क्लिक करना है, या तो आप इससे पीछे वाला भी देख रहे हैं तो आप सारा देख रहे हैं कि यहाँ दिख रहा है 14-15 से लेकर 19-20 तक, तो मैं 19-20 पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप 19-20 यहाँ पे फाइनली आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइनल अप्रूवेड बाय AA ऑफिसर, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये यानी आपका फाइनल अप्रूव हो चुका है, ये फॉर्म आपका अप्रूव हो गया है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे रिजेक्ट होता तो आपका लिख देता रिजेक्टेड करके कुछ ऐसा कुछ लिखता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनल अप्रूवेड हो गया है, यानी डबल ऑफिसर जो होता है वो अप्रूव कर चुके हैं आपका, तो यानी ये पैसा आपको मिलने वाला है। तो आप अब क्या करना है इसके बाद, कि अगर ये तो पैसा आने वाला है ऐसे फरवरी के मतलब फर्स्ट वीक से डलना चालू हो जाता है, तो आप अगर आ गया है तो ऐसा लिखिएगा, अगर अभी नहीं आया है तो आपके अकाउंट पर पैसा वो आएगा। और अगर आपको अपने अकाउंट में चेक करना है कि मेरा अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आया है या नहीं, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से अपना लिंक को क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाया हूँ वो खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर किसी तरह का आपको दिक्कत आती है तो।